नमस्कार। बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से, जहां राजधानी दिल्ली से सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां दिन दहाड़े एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गला रेत करके हत्या कर दी है और प्रेमी फरार हो गया। आपको बता दें कि साउथ दिल्ली के मेहरौली थाना क्षेत्र इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सनकी आशिक ने अपनी प्रेमिका का चाकू से गला रेत करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं वारदात की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवती को पास के हॉस्पिटल में पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं वारदात की जानकारी पुलिस को वायरलेस पर मिलते ही इलाके में गश्त लगा रही पुलिस टीम ने भागते आरोपी को धर दबोचा है और आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुड़ चुकी है। जिसमें सुने मोहन स्थानीय दुकानदार को। मोहन जी, क्या हुआ था आपकी दुकान के बाहर, किस समय क्या घटना हुई थी? इधर ऐसा भी थी, लड़की लड़की बैठा था वहाँ, तो वहाँ दोनों इधर आके लड़की गिर गया था। बस पता नहीं क्या हुआ था, मैं स्कूटर में था, स्कूटर में बैठा था दोनों, मैं अंदर बैठ के एक बार देखा था। अच्छा, कौन कौन लोग थे वहाँ पर उस समय? उस टाइम तीन लोग था। अच्छा, तीन लोग में कौन थे, यानी कि लड़के कितने थे? वो लड़की, दो लड़का एक लड़की है। अच्छा, तो क्या कुछ पता चला, क्या गर्दनों पे चाकू? कुछ पता नहीं था, मैं अंदर बैठा था। अच्छा, तो किस समय क्या घटना हुई थी, टाइम क्या था उस समय? 6:30-7 बजे गया, 6:30-7 बजे करीब था। तो लड़की अब मर गई, किसे पता चला आपको? पता नहीं। अच्छा, उस टाइम भीड़ हो गया था, लड़की देख गया, पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी उसी टाइम, 5 मिनट के अंदर पुलिस आ गया। उस लड़के को आपने देखा हो कहीं, यहीं आसपास का था? पहले बार देख रहा। पहले राजधानी दिल्ली से शहनवाज खान की रिपोर्ट।